हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छाया पंचाल्स किचन। आज मैंने स्वीट कॉर्न की सब्जी बनाई है पंजाबी स्टाइल में, मसाला कॉर्न सब्जी। बहुत ही हेल्दी वर्जन है ये, और मैंने इसमें काजू और बादाम का भी यूज़ किया है, तो बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्दी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इसे और ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी स्वीट कॉर्न से बनी हुई। अभी क्योंकि विंटर सीजन है, स्वीट कॉर्न बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो देखिए, ये पंजाबी स्टाइल में मैंने बनाया है स्वीट कॉर्न। तो चलिए मैं बताती हूँ मेरी सब्जी की रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। नई रेसिपी देखने के लिए छायास किचन को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नई रेसिपी देखें। सब्जी बनाने के लिए मैंने ये स्वीट कॉर्न लिया है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। एक ऑनियन ली है और 10 से 12 लहसुन की कलियां ली है। एक कैप्सिकम को मैंने कट कर लिया है, छोटा वाला कैप्सिकम मैंने लिया है, या तो फिर आप हाफ ले सकते हैं। एक टमाटर मैंने कट किया है, और इसमें मैंने काजू, बादाम और मूंगफली को भिगो के रखा है। ये हेल्दी वर्जन होगा, तो इसके लिए मैंने काजू और बादाम का यूज़ किया है। आप चाहें तो फिर मगजतरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑनियन और गार्लिक को क्रश कर लूँगी। टमाटर को भी हम क्रश कर लेंगे, या तो फिर ऐसे भी चलेगा। और काजू और बादाम की भी हम पेस्ट बना लेंगे। जब हम काजू और बादाम की क्रश करेंगे, उसमें हम ये सारे मसाले ऐड करेंगे। मैंने सौंफ ली है हाफ टी स्पून जितनी, तिल लिए हैं, फिर एक बड़ा तज लिया है जिसका मैंने ऐसे पीस कर दिए है छोटे वाले, और लौंग लिया है, और दो से तीन हम काली मिर्च लेंगे। इन सबको भी हम इसके साथ में ही अंदर डाल के क्रश कर लेंगे। तो अब ये हमारी सारी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है, और अब हम इस ग्रेवी में जो हमने काजू बादाम और मूंगफली की ग्रेवी बनाई है, उसमें एक चम्मच किचन किंग मसाला ऐड करेंगे, 1 फुल चम्मच। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और धनिया ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, और इसे हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ग्रेवी में सारे फ्लेवर्स बैठ जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। फिर जब हम पकाएंगे तब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम ऑयल रख देते हैं गैस पे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो उसमें हम एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, और जो हमने ये ऑनियन वाली ग्रेवी बनाई थी उसे ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो टमाटर की ग्रेवी बनाई है उसे ऐड कर देंगे, और उसे भी पकने तक मिक्स करेंगे। अब जो हमने ये ग्रेवी बनाई है उसे मिक्स कर देंगे हम इसमें। उसी ग्रेवी वाली कटोरी में मैंने पानी ऐड किया है, 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे हम, और उसे भी अच्छे से हम पकाएंगे। 1 चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से हम सॉल्ट ऐड करेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हमने जो कॉर्न बॉईल करके रखे हैं उसको ऐड कर देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे। तो अब ये सब्जी में से तेल भी निकलने लगा है, तो हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। इसमें हम लास्ट में 1 चम्मच मलाई ऐड करेंगे, और 2 मिनट के लिए इसे हम मलाई पिघलने तक पकाएंगे। तो अब ये सब्जी रेडी हो चुकी है, देखिए। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे हरा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे सर्व कर देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है सब्जी, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऐड कर दूंगी इसके ऊपर।
और ये सब्जी हमारी बनके रेडी है। देखिए आप भी जरूर बनाइए, ये बहुत ही झटपट से बनने वाली मसाला कॉर्न सब्जी कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा और मुझे कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स।